मुंबई से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां सेनापति बापट मार्ग पर एक कार ड्राइवर की गलती की वजह से सड़क के दूसरी तरफ से आ रही मोटरसाइकिल उससे टकरा गई। और इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में काले रंग की एक कार अचानक सड़क पर यू टर्न लेती नजर आई। एकदम से कार के मुड़ने की वजह से सामने से आ रहा मोटरसाइकिल सवार उसके पिछले हिस्से से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो संतुलन खो बैठा और वहीं गिर पड़ा। जैसे ही टक्कर लगी, ये शख्स सड़क के दूसरी तरफ से आ रही एक मोटरसाइकिल से जा भिड़ा, जिसकी वजह से वो भी हादसे का शिकार हो गया। जैसे ही दोनों लोग सड़क पर गिरे, कार ड्राइवर ने उनकी मदद करने के बजाय अपनी कार को पूरी तेजी से भगा दिया, जिसकी गवाही कार से निकलते काले धुएं के गुबार ने दी। सौभाग्य की बात यह कि पिछले साल देश में गाड़ी चलाते समय इसी तरह की लापरवाहियों ने 1,32,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। और इतनी मौतें तब हुई जब महामारी की वजह से आधा साल लॉकडाउन और पाबंदियों में बीता था, जिसमें सड़कों पर गाड़ियां कम चल रही थी। जिसका मतलब एक ही है कि हमको अपनी और दूसरों की जान की परवाह नहीं। जिसका एक नमूना मुंबई के लोअर परेल इलाके में 2 दिन पहले दिखा, जिसमें अचानक यू टर्न ले रही कार से टकराकर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई।